अस्सलाम वालेकुम। वाटर बॉर्न डिजीज को डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, हम वाटर बॉर्न डिजीज सारी डिस्कस कर चुके हैं। आज जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है प्रिवेंशन फ्रॉम वाटर बॉर्न डिजीज, मतलब वाटर बॉर्न डिजीज से हम किस तरह बच सकते हैं। देखिए आप खुद सोचें कि हम वाटर बॉर्न डिजीज से किस तरह बचा जा सकता है। बिल्कुल सिंपल सा तरीका कार है कि अगर पानी से बीमारियाँ पैदा हो रही हैं तो सिंपल सी बात है पानी ना पियो, गंदा पानी नहीं। और क्या है कि अगर गंदा पानी पीने से बीमारियाँ हो रही है तो गंदा पानी ना पियो, वाटर बॉर्न डिजीज से आप प्रिवेंट हो जाएंगे। इसके अलावा जो आपका सेवेज का सिस्टम है, सेवेज का सिस्टम कहते हैं गटरों नालियों वगैरह का ना सिस्टम, इसका प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि कहीं बाहर गली में पानी खड़ा है, कहीं पर टूटी वगैरह जहाँ से पानी वगैरह बाहर से आ रहा है वो दोनों मिक्स होकर घर में आते हैं। बाद में इस तरह होता है जब बारिश वगैरह होती है ना, तो ये वाला काम हो रहा होता है कि गलियों में पानी खड़ता है और टूटी वगैरह कहीं से टूट जाती है और बाद सारे के सारे गंदा पानी घरों के अंदर आ रहा होता है। कहते आपका सेवेज का सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए। इसके अलावा जो आप पेस्टिसाइड जो एग्रीकल्चर के अंदर स्प्रे वगैरह या फर्टिलाइजर वगैरह खाद वगैरह इस्तेमाल करें, इसके ऊपर थोड़ी सी रोकथाम होनी चाहिए कि ये चीज़ इस्तेमाल ना की जाए। सही, क्योंकि आपने एक पॉइंट ये भी पढ़ा था कि फूड प्रिपेयर्ड फ्रॉम पोल्यूटेड वाटर, उससे भी वाटर बॉर्न डिजीज होती है। सही, तो स्प्रे वगैरह जितनी कोशिश की जाए उतनी कम की जाए फलों वगैरह को, सब्जियों वगैरह। लेकिन अब ज़माना ही इस तरह का, अगर वो स्प्रे वगैरह नहीं करते तो सारी बीमारी लग जाती है। सही है, तो ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ये तकरीबन बुक आपकी काफ़ी अरसे की बनी हुई है, कुछ 10-15-20 साल हो गए हैं। तो ये उस वक्त का है कि स्प्रे उस वक्त नहीं, क्योंकि ये पहले ज़माने में अगर थोड़ा चले जाए ना 20-25 साल पहले, उस वक्त तक स्प्रे का कॉन्सेप्ट नहीं होता था, खादों का कॉन्सेप्ट नहीं था। जानवरों का वो गोबर वगैरह डालते थे ज़मीनों में, सही, उसी से फसलें वगैरह तैयार होती थी। लेकिन ऐसा हर एक चीज़ चेंज होती जा रही है, ज़मीन के अंदर खुराक की डेफिशिएंसी हुई जिसकी वजह से उन्होंने कहा जी ये चीज़ करो, इस तरह अगर बीमारी होती है तो आप ये वाली चीज स्प्रे वगैरह इस्तेमाल करो। तो ये अभी की इन्वेंशन है, यानी कि शुरू से ही स्प्रे वगैरह का कॉन्सेप्ट था, शुरू से स्प्रे का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो ये चंद एक बातें, सबसे पहली चाहिए कि प्रोविजन होता है प्रोवाइड से निकला है, प्रोविजन ऑफ सेफ वाटर के बिल्कुल साफ सुथरा पानी इंसानों को मुहैया किया जाए। प्रोविजन का मतलब होता है मुहैया करना। सेफ वाटर शुड बी प्रोवाइडेड टू ह्यूमन। द ह्यूमन शुड इंसानों को होना चाहिए, शुड क्या चीज होना चाहिए, ड्रिंक क्लीन वाटर। इंसानों को सिर्फ उसे साफ पानी पीना चाहिए। तो ये बात ही बात सबसे पहले नंबर पर याद रखिएगा। आप कहें जी पुराने ज़माने में अगर चले जाएंगे ना, कोई आज से कुछ 30 साल ज़्यादा ज़माना नहीं है, 30 या 35 साल पहले, वहाँ पर ये वाटर सप्लाई का पानी आता ही नहीं था। अगर गांव वगैरह में बात करें ना, वहाँ पे वाटर सप्लाई का पानी नहीं आता था, वहाँ पे घर में गांव के बिल्कुल दरमियान में एक तालाब बना होता था, तो नहर का पानी वहाँ पे आके जमा होता था, वहाँ से लोगों ने उस तालाब से नलके लगा अपने घरों में लगाए होते थे, वहाँ से नलका वगैरह चला के उस पानी को इस्तेमाल करते थे। उस पानी में करते क्या थे कि उस पानी को लेकर उसमें फटकड़ी वगैरह डालते थे, फटकड़ी से कुछ नहीं होता, यानी कि जान लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर कहो ना मर जाते हैं, बहुत कम मरते हैं। लेकिन उससे ये होता था कि जो आपके उसमें कंटेमिनेशन वगैरह है ना, रेत वगैरह मिट्टी वगैरह जो भी चीज़ है वो सारी नीचे बैठ जाती थी, लोग वो वाला पानी पीते थे लेकिन फिर भी सही थे। अब लोग अभी भी साफ पानी पीते हैं, उस पानी की नस्बत ये वाला पानी बहुत साफ है लेकिन फिर भी बीमारियाँ हो रही हैं। रीज़न क्या है, सिंपल सी रीज़न है इसके पीछे, इम्यून सिस्टम ख़त्म। जो पहले वाले लोग थे उनका इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग था, अब जो लोग हैं क्योंकि इनको अंदर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जाता ही नहीं है, अगर कहीं भी चला जाए तो बीमारी हो जाती है, तो इनका इम्यून सिस्टम बड़ा वीक है। सही है, तो ये सिंपल सी बात थी। तो आपने यही बात याद रखनी है कि प्रोविजन ऑफ सेफ वाटर, के बिल्कुल साफ सुथरा पानी प्रोवाइड किया जाए और इंसानों को चाहिए कि वो साफ सुथरा पानी पिए। और इसके बाद प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ या डिस्पोजल ऑफ सेविज वाटर
ये जो गटरों वगैरह का पानी है ना, इसका प्रॉपर डिस्पोजल यानी इसको ज़ाया करने का प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए, प्रॉपर निज़ाम होना चाहिए कि आपका सारे का सारा गटरों का पानी इकट्ठा होकर कहाँ पर जाएगा और इसको आपने कहाँ पर डिस्पोज करना है। देखिए हमारे इन इलाकों में तो क्या कर दिया जाता है, वाटर को डिस्पोज कर दिया, डिस्पोज नहीं किया जाता है, ये एग्रीकल्चर में यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर आप बात करें अमेरिका की, जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, वहाँ पर गटरों के पानी को ज़ाया नहीं करते, पता क्या करते हैं वो, यहाँ पे पानी सारे का सारा एक प्लांट में जाता है, वहाँ पे ये प्लांट है, ये वाटर मिनरल बॉटल है, वो इस पानी को दोबारा रिसाइकल करके दोबारा फिर पीने के लिए भेज देते हैं। अब करते हैं क्या है, अब करते क्या है उसके लिए, उन्होंने सबसे पहले इस तरह की एक जाली लगी होती है, बहुत बड़े बड़े सुराख होते हैं इसके अंदर। अब देखो इसमें जो मैक्सिमम चीज़ें होंगी ना, वो यहीं पर फंस जाएंगी, मतलब जो बड़े शापर वगैरह होंगे या कोई बड़े साइज की जो भी चीज़ होगी ना, वो यहाँ फंस जाएगी। आगे क्या होगा जी, पानी जाएगा आगे, फिर एक जाली लगी होती है। अब इसमें क्या होता है जी, ये सुराख थोड़े छोटे होते हैं, जो उससे कम साइज वाली हैं वो यहाँ फंसेंगी, इसके बाद फिर एक जाली लगाई होती है। अब इसमें और ज़्यादा बारीक सुराख कर देते हैं, अब यहाँ से ऑलमोस्ट पानी ही आगे जाएगा, बाकी सारी चीज़ें यहाँ से निकाल के साथ साथ यहाँ से निकालते भी रहते हैं। इसके बाद एक बहुत बड़ा तालाब बना होता है, उस पानी के अंदर जाके ये सारे के सारे पानी जहाँ जाता है, अब उसमें से मैक्सिमम चीज़ें जो इनसोलेबल होती है ना, मसलन ये शापर वगैरह, कोई भी गंद वगैरह वाली चीज़ है, वो यहाँ से निकाल देते हैं, आगे जाकर पानी को स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद उसको एक दिन तक तालाब या दो दिन तक तालाब के अंदर रखते हैं। जब तालाब के अंदर रखते हैं तो क्या होता है कि पानी वगैरह ना सारे का सारा, आपको पता है जब पानी ख़राब हो और उसको बिल्कुल एक जगह पर साकन रख दिया जाए, जो उसमें इम्प्योरिटीज रेत वगैरह होती है वो सारी के सारी नीचे बैठनी शुरू हो जाती है। सही है, जब नीचे बैठ जाएगी तो इस पानी को यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेने के बाद नेक्स्ट तालाब के अंदर लेके जाएंगे और वहाँ भी इसकी करते हैं क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन करने के बाद इसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे के सारे मार देते हैं। क्लोरीनेशन से जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं पानी को साफ करने के लिए की जाती है, क्लोरीनेशन करते हैं पानी के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो सारे के सारे मर जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट लगा होगा फिल्टर प्लांट, जो अमूमन घर में लगे होते हैं ना, सही है, वही फिल्टर लगे होते हैं, लेकिन वो साइज बड़ा होता है, वहाँ से पानी को गुजारते हैं, कुछ छोटी मोटी जो थोड़ी बहुत इंप्योरिटी रह जाती है वो वहाँ पर फंस जाती है, और उसके बाद आके जाकर उसके अंदर मिनरल वगैरह डालते हैं, क्योंकि मिनरल वाटर है ना, वो मिनरल वगैरह डाल रहे होते हैं जो इंसानी सेहत के लिए ज़रूरी होते हैं, मिनरल डाल के उसको बॉटल में पैक करते हैं और भेज देते हैं। और ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सिर्फ उन इलाकों में है जिन इलाकों में पानी की कमी है, मसलन अमेरिका अंदर के मैंने कुछ अर्सा पहले एक वीडियो देखी थी, उसके अंदर पूरे का पूरा प्रोसीजर बताते हैं। सही है, हमारे ऐसा नहीं होता, सही है, लेकिन वहाँ वैसा हो रहा है। ये क्या है जी, अब यहाँ भी देखो इतना सारा प्रोसीजर करने के बाद पानी वैसे लास्ट में आता है तो साफ हो जाता है। सही है, चलो जी, अब इसके बाद यही चीज़ है जी, डिस्पोजल ऑफ सेवेज वाटर के, आपका जो गटरों का पानी है इसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए डिस्पोज करने की। देयर शुड बी अ प्रॉपर मैनेजमेंट टू डिस्पोज द सेवेज वाटर याद रखिए, गटरों के पानी को कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कंट्रोल ऑन द यूज ऑफ केमिकल्स के यूज़ पे भी कंट्रोल होना चाहिए। मतलब कंट्रोल किस लिहाज से होना चाहिए, खुसूसन पेस्टिसाइड्स पे, स्प्रे वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं इसके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल रखना चाहिए, अगर कोई करता है तो इसके ऊपर जुर्माने वगैरह आयद करने चाहिए। लेकिन मैंने पहले बता दिया ये पुराने ज़माने की थोड़ी सी बुक है, तो उस लिहाज से ये बात सही थी, लेकिन अब ये बात आप नहीं कर सकते, क्योंकि ज़िम्मेदार की मजबूरी है, उसने स्प्रे करनी ही करनी है, अगर नहीं करता तो सारी फसल ख़राब हो जाएगी। सही है, तो देयर शुड बी कंट्रोल्ड ऑन द यूज ऑफ, किसके यूज पे, ऑन द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड के इस्तेमाल पे थोड़ा बहुत रोकथाम होनी चाहिए भाई, ये बात आपने याद रखनी है। तो ये सिंपल बात है बच्चे, पास्ट पेपर अगर बात की जाए बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा ये शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है,
मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपके इस बुक का। अब जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर, इफेक्ट ऑफ पोल्यूटेड वाटर, प्रिवेंशन फ्रॉम वाटर बॉर्न डिजीज, ये वो वाले शॉर्ट क्वेश्चन है। आप निकाल के चेक कीजिएगा, आपको बारह दफा ये वाले क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है। यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।